महाराष्ट्र की राजनीति में महायुति के नेता और डिप्टी सीएम अजीत पवार बड़ा खेल कर चुके हैं, जिसका अंदाजा शायद बीजेपी को था ही नहीं। बीजेपी का पॉलिटिकल प्रेशर होने के बावजूद अजीत पवार ने मुंबई के कद्दावर नेता नवाब मलिक को मानखुर्द विधानसभा सीट से उम्मीदवार बना दिया। अजीत पवार के इस फैसले से जहां राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, वहीं कई सारे सवाल भी उठते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल ये कि बीजेपी के विरोध के बाद भी अजीत पवार ने नवाब मलिक को क्यों उम्मीदवार बनाया? क्या नवाब मलिक को टिकट देना बीजेपी नहीं चाहती थी और इसके बावजूद अजीत पवार ने टिकट देकर एक कोई मैसेज देने की कोशिश की है? और क्या इसका खामियाजा एनसीपी के अजीत पवार को उठाना पड़ सकता है? दरअसल नामांकन के आखिरी दिन नवाब मलिक को अजीत पवार ने नामांकन फॉर्म दे दिया। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि नवाब मलिक अजीत पवार की तरफ से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, लेकिन इतना जरूर कंफर्म है कि नवाब मलिक चुनाव लड़ेंगे, चाहे उन्हें निर्दलीय ही क्यों ना चुनावी मैदान में उतरना पड़े। बीजेपी ने नवाब मलिक को टिकट देने का विरोध किया था। नवाब मलिक ने साफ कर दिया कि वो हर हाल में नामांकन दाखिल करेंगे। अब अजीत पवार की एनसीपी की तरफ से उन्हें इशारा मिल गया है, नामांकन के लिए वो तैयार रहे। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी में राज्य की कई सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर मंथन चल रहा है। इस बीच अजीत गुट के एनसीपी नेता नवाब मलिक ने यह ऐलान कर दिया था कि वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, अपने पत्ते खोलेंगे। नवाब मलिक उम्मीदवारी को लेकर लंबे समय से अपने सस्पेंस को देख रहे हैं, या यूं कहें कि उन पर सस्पेंस बना हुआ है। 5 बार के विधायक हैं वो, इस समय अनुशक्ति नगर सीट से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस बार अजीत पवार के एनसीपी ने इस सीट से नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को टिकट दिया है। इसी सीट से शरद पवार खेमे ने बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद को टिकट दिया है। नवाब अपने खिलाफ पीएमएनएलए के एक मामले में मेडिकल बेल पर बाहर है। उनके एनसीपी के टिकट पर शिवाजी नगर मानखुर्द सीट से सपा के अबू असिम आजमी के खिलाफ चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। जिस फॉर्म ए और फॉर्म बी की बात हम कर रहे हैं, वो आपको बता दें क्या होता है। एनसीपी ने नवाब मलिक को फॉर्म ए दिया है। चुनाव लड़ने का इच्छुक उम्मीदवार नामांकन भरते समय फॉर्म ए और फॉर्म बी का इस्तेमाल करता है। ये दोनों ही फॉर्म्स उम्मीदवारों की चुनावी प्रक्रिया के दौरान आवश्यक होते हैं। फॉर्म ए का इस्तेमाल उन राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है जो अपने उम्मीदवारों को नामांकित करने के लिए चुनाव आयोग को जानकारी देते हैं कि फला आदमी हमारी टीम से, हमारी पार्टी से इस सीट पर चुनाव उतरेंगे। इस फॉर्म में राजनीतिक दल का नाम, पार्टी का चिन्ह और उम्मीदवार का नाम शामिल होता है। इसे आमतौर पर पार्टी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही भरा जाता है और इसमें दल के सदस्यों की संख्या और अन्य आवश्यक विवरण भी शामिल होते हैं। फॉर्म बी की बात करेंगे तो इसका इस्तेमाल उम्मीदवार की व्यक्तिगत जानकारी और उनकी पात्रता को प्रमाणित करने के लिए होता है। ये फॉर्म भी आपको नामांकन के समय सबमिट करना पड़ता है। इसमें जो प्रत्याशी है उसका नाम, पता, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसमें होती है। इसके साथ ही ये फॉर्म ये भी दर्शाता है कि उम्मीदवार ने किस दल का समर्थन किया है। इसे उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है, उसको सत्यापित किया जाता है और चुनाव आयोग के पास ये जमा होता है। तो फिलहाल एनसीपी अजीत पवार की तरफ से नवाब मलिक को फॉर्म ए दे दिया गया है, यानी पार्टी ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि आप हमारी तरफ से चुनावी मैदान में उतरेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नामांकन का आखिरी दिन है आज। अभी कई सीटों पर बवाल जारी है। किसी दल का नेता बागी होकर लड़ने को तैयार है तो कहीं कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि सही कैंडिडेट नहीं उतारा गया है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होंगे, 23 नवंबर को वोटों की गिनती होनी है। महाराष्ट्र में एक ही चरण में वोटिंग होनी है। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें आती हैं, 145 बहुमत का आंकड़ा है। 2019 की अगर बात करें तो बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। अन्य के खातों में 29 सीटें गई थी। इस बार 2019 से तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। 2019 में एक शिवसेना, एक एनसीपी थी। इस समय 2 शिवसेना, 2 एनसीपी दिखाई पड़ रही है। उस बीच एनसीपी को लेकर, अजीत पवार को लेकर अगर चर्चा करें तो लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद हर खेमे से यह खबर आती रही कि वो महायुति का हिस्सा बने हैं, इसलिए महायुति का प्रदर्शन ऐसा रहा है, यानी लोकसभा में महायुति का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। अगर बीजेपी की बात करें, एनडीए गठबंधन की बात करें,
तो महाराष्ट्र में उम्मीद से जो परिणाम थे वो नहीं नज़र आए और इसका ठीकरा भी अजीत पवार के सर फूटता नज़र आया। बीच में खूब चर्चा ये भी होती रही कि शरद पवार के खेमे में वापस लौट सकते हैं अजीत पवार, यानी अपने चाचा के पास वापस जा सकते हैं अजीत पवार, लेकिन इस तरीके की भी कोई चर्चा अभी तस्वीर के तौर पर नहीं दिखाई पड़ रही है। अभी इस वक्त जो चर्चा दिखाई पड़ रही है वो ये कि पार्टी यानी महायुति यानी बीजेपी वो कभी नहीं चाहती थी कि नवाब मलिक को टिकट दिया जाए और एनसीपी की तरफ से उन्हें फॉर्म ए देना ये बताता है कि वो बीजेपी की इच्छा से इतर काम करती हुई दिखाई पड़ रही है। अब एनसीपी अगर बीजेपी की इच्छा से इतर काम कर रही है तो क्या इसका खामियाजा अजीत पवार को एनसीपी को आने वाले वक्त में दिखाई पड़ेगा, पहली बात। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात कि क्या महायुति में सब कुछ ठीक नहीं है, तालमेल की कमी है शायद, इसलिए इस तरह की चीजें दिखाई पड़ रही हैं। और अगर ऐसा है तो ये संदेश बाहर वोटर्स के लिए तो जाना महायुति के लिए खतरनाक है ही, लेकिन महाविकास आघाड़ी भी इसका फायदा जमकर उठा सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।